अकादमी अदबियात पाकिस्तान में योम आज़ादी मिली जज्बे और जोश व खरोश से मनाई गई। परचम कुशाई से तकरीबात का आगाज किया गया। मुल्क के नामवर अदीबों और समाजी कारकुनान की मौजूदगी में अकादमी के चेयरमैन डॉक्टर यूसुफ खुश्क ने परचम कुशाई की और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की गई। आज़ादी के अहम दिन को मज़ीद पुर रौनक बनाने के लिए अकादमी ने जश्न आज़ादी मुशायरा मुनक्कद किया, जिसकी निज़ामत मारूफ शायर जनाब रहमान हफीज ने की और सदारत मुल्क के नामवर शायर इफ्तिखार आरफ ने की। मुशायरे की इब्तिदा में चेयरमैन जनाब डॉक्टर यूसुफ खुश्क ने मुल्क के नामवर अदीबों और शौरा के सामने अकादमी अदबियात की कारकर्दगी कुछ इन अल्फाज में रखी। हमने कोशिश की कि डायमंड जुबली ईयर जैसे ही अनाउंस हुआ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ये अगस्त का महीना था और 13 अगस्त 2021 को पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स ने भी जो है अपने दोस्तों मेहरबानों और सीनियर्स की मदद से जो है अपनी टीम की ताउन से हमने जो है वो 75वां साल 75 प्रोग्राम जो है वो ऐलान किया। और वो 75 प्रोग्राम जो थे उस वक्त मुझे याद है कि आरिस खलील साहब का एक मैसेज आया था, कल भी मैंने ये बात की थी, उन्होंने कहा कि खुश साहब बड़ा दावा कर बैठे हैं एक साल में 75 प्रोग्राम कैसे मुमकिन हो सकता है, क्या आप ये निभा पाएंगे। मैंने उन्हें यही कहा था बड़ों की दुआएं और आप भी दुआ दीजिए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस सिलसिले का 75वां प्रोग्राम आप जो है। मुशायरे में मुल्क की मुख्तलिफ ज़बानों की नुमाइंदगी करते हुए शोरा ने अपने कलाम से हाजरीन की मिली जज्बे उभारे। सुलग रहा है तहे फिक्र जो ख्याल उसे मैं आग कर नहीं पाया, शरर तो लिखूंगा। ला इलाहा दे नाल धरती मेरी हो गई कमाल धरती। बोले पाकिस्तानी बोले पाकिस्तान साजिश तो है आज की कब है मुद्दत से जारी है तो सीए मकरूह के दिन से लेकिन ये कुछ और भारी। वो जो 14 सदियों का इत्र है वही दिन तो 14 अगस्त है, उसी रात में अगला पड़ाव सा जहाँ इब्तिदा में हमार किस किस तरह बिबरे थे जब लंगर खुला था, हमार किस किस तरह बरहम हुई थी बादमा पर, हमार किस किस तरह बिबरे थे जब लश्कर खुला था, कयामत मरहले तय करके पहुंचे थे यहाँ तक, कयामत मरहले तय करके पहुंचे थे यहाँ तक, बहुत कले गिरे थे तब कहीं एक दर्द खुला था।